राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक जारी है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की अहम बैठक है। तो वहीं आपको भी जानकारी हम देते कि बैठक में दिल्ली चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होनी है। आज जारी हो सकती है आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक है, पीएसी की बैठक ये है और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति इसमें बनाई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये महत्वपूर्ण बैठक राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से पीएसी की बैठक लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव से पहले इस बैठक के काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम मायने हो जाते हैं। बैठक में दिल्ली चुनाव की रणनीति बनाने को लेकर चर्चा है और साथ ही आज आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी की जा सकती है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव बेहद ज़्यादा करीब है राजधानी दिल्ली में। और विधानसभा चुनाव से पहले अब दिल्ली में पूरी तरीके से सरगर्मियां तेज हैं। दिल्ली में आप पीएसी की बैठक जारी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अब रणनीति लगातार आम आदमी पार्टी बनाती हुई नज़र आ रही है और बैठक में हो सकता है कि अपने प्रत्याशियों का चयन किस तरीके से करना है इसे लेकर चर्चा हो। और कयास ये भी हैं राजनीतिक गलियारों में कि हो सकता है कि आज आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दे। तो दिल्ली का दंगल और किसका मंगल होगा ये भी देखने की बात है। तो राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज है। काफी महत्वपूर्ण मायने इस पीएसी की बैठक के हो जाते हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार अपनी जीत का दम भरते हुए नजर आ रही है। बात यहां पर मुख्यमंत्री अतिश्री की करें या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे तरीके से कमर यहां पर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कस ली है। अब ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक चल रही है और जब किसी कोई पीएसी की बैठक होती है तो ऐसे में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा होती है और आपसी रणनीति किस तरीके से रहेगी इसे लेकर भी यहां पर चर्चा देखने को मिलेगी। नमित त्यागी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नमित, फिलहाल पीएसी की बैठक को लेकर क्या था अपडेट आपके पास से? बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली सूची प्रत्याशियों की जारी की जा सकती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी एक्शन मोड में है। यही वजह है कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की आम आदमी पार्टी की जो बैठक है वो अब से कुछ दिन पहले ही शुरू हो गई है, जिसमें तमाम आम आदमी पार्टी के जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के मेंबर्स हैं इसमें बड़े नेता हैं, संजय सिंह हो, संदीप पाठक हो, दुर्गेश पाठक हो, इसमें तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। हालांकि अभी 1 बजे खुद संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। निश्चित तौर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी ऐलान हो सकता है कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में क्या क्या किन बातों पर चर्चा हुई। लेकिन जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट है वो भी जारी कर सकती है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले 1 महीने में कई दूसरी पार्टियों के नेता आम आदमी पार्टी जानकारी आपने साझा की। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तैयारी पूरे तरीके से राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। तरीके से छिड़ चुका है और आम आदमी पार्टी की तैयारी यहां पर देखने को मिल रही है। कौन किस पर भारी है अब यह भी देखने की बात होगी। तो राजधानी दिल्ली में पीएसी की बैठक आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार देखने को मिल रही है और इस पीएसी की बैठक में रणनीति आम आदमी पार्टी लगातार बनाती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी की तैयारी बेहद ज्यादा मायने रखती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी जीत को लेकर दम भरा जा रहा है।